सो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर टेक्निकल सर्ज में। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि गाइस अब 2023 में अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन से अपने बैंक अकाउंट को ऐड कैसे करेंगे और अपने उस बैंक अकाउंट को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। क्योंकि गाइस बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको बैंक अकाउंट को ऐड कर लेते हैं लेकिन गाइस जब बैंक अकाउंट को डिलीट करना होता है तो डिलीट नहीं कर पाते हैं। सो गाइस अगर अपने बैंक अकाउंट को ऐड करके आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो को एंड तक स्टेप बाय स्टेप वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है कि गाइस जब भी कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आप अपने फोन पे एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट को कैसे ऐड करेंगे और उसको आप रिमूव कैसे करेंगे। इसके लिए गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने मोबाइल फोन को इस तरीके से ओपन करना है। तो अगर जैसे आप अपने मोबाइल फोन को इस तरीके से आप ओपन कर लेंगे तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने फोन पे एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना। अगर आपके फोन में फोन पे एप्लीकेशन है तो आपको ओपन करना, अगर नहीं है तो आपको डाउनलोड करके इस तरीके से ओपन करना। ओपन करने के बाद में अब आपको यहां से अपना मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। तो जैसे आप यहां से अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे अब आपको प्रोसीड पे क्लिक करना। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में अब आपको यहां पे अदर्स लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको लॉगिन विद ओटीपी क्लिक करना है। तो जैसे आप यहां पे लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक कर देंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा जो कि ओटीपी ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। तो जैसे आपका ओटीपी यहां पे ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा तो आपके जो फोन पे अकाउंट है सक्सेसफुली बन चुका है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने फोन पे एप्लीकेशन से अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना है। तो आप लिंक कैसे करेंगे, जब गाइस आपका फोन पे अकाउंट बन जाएगा तो आपको लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक करने के लिए गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने फोन पे एप्लीकेशन को इस तरीके से आपको ओपन करना है। तो फाइनली गाइस यहां पे लोडिंग ले रहा है, यहां पे लोडिंग योर फोन पे अकाउंट। तो फाइनली गाइस यहां पे हम वेट कर लेंगे। तो फाइनली गाइस मेरा फोन पे अकाउंट बन चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको परमिशंस को अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद में अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, अब आपको अपनी से प्रोफाइल पे क्लिक करना। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में अगर आपके फोन पे एप्लीकेशन में ऑलरेडी कोई बैंक अकाउंट लिंक है, रजिस्टर्ड है तो इस तरीके से शो हो जाएगा। अगर लिंक नहीं है तो नहीं शो होगा। तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको लिंक करने के लिए आपको यहाँ पे एड ए न्यू बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। ऊपर गाइस आपके मोबाइल नंबर हो जाएगा, सेलेक्ट ये बैंक लिंक, यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन होगा, आपको सर्च बाय बैंक नेम पे क्लिक करना है। तो फाइनली गाइस जैसे आप सर्च बार पे क्लिक कर देंगे तो अब आपको यहाँ से अपने बैंक का नाम आपको सर्च करना पड़ेगा, आपका जो भी बैंक होगा। जैसे मेरा जो बैंक है जियो पेमेंट बैंक है, यहाँ पे टाइप करेंगे जियो पेमेंट बैंक। तो यहाँ पे जियो पेमेंट बैंक यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे ओपन होकर के आ चुका है। तो अब आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में गाइस अब आपका जो जियो पेमेंट बैंक है आपके मोबाइल नंबर से वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद में आपका जो बैंक अकाउंट है आपके फोन पे एप्लीकेशन में एड हो जाएगा। अकाउंट एडेड सक्सेसफुली जियो पेमेंट बैंक, यहाँ पे ब्रांच नेम सब कुछ यहाँ पे दिखाएगा, यूपीआई आईडी भी दिखाएगा। अब आपको डन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप ऐसा डन पे आप क्लिक कर देंगे तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पे बैंक आना है। बैंक आने के बाद में आपको फिर से अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में अब आपको अपने जो बैंक को आप ऐड किए हैं अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, अब आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको जियो पेमेंट बैंक पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहां से जियो पेमेंट बैंक पे क्लिक कर देंगे तो अब आपके सामने आप इस तरीके से ऑप्शंस ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब आपको धीरे धीरे नीचे आना है। नीचे आने के बाद में सब आपको यहां पे एक ऑप्शन है अनलिंक बैंक अकाउंट का, तो आपको अनलिंक बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहां पे आपको ऑप्शंस और आप उसको रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद में आपको अनलिंक बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में अब आपको जो बैंक अकाउंट है आपके फोन पे एप्लीकेशन से डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से गाइस आप अपने फोन पे एप्लीकेशन से अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। सो गाइस अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आ रही है तो डायरेक्टली आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं, जो कि इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।